जी, इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना जैसी जानलेवा वबा का शिकार है और इस महाज पर लड़ने वाले फ्रंट लाइन सिपाहियों यानी डॉक्टर्स को खिराज तहसीन और सलाम पेश कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब के डॉक्टर्स अपने बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पर रुल रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है। ऐसे में किसी भी हुकूमती नुमाइंदे और महकमा सेहत के ऑफिशियल ने सरापा एहतजाज डॉक्टरों से रब्ता नहीं किया। वजीर सेहत पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ की अदम दिलचस्पी के बाद हालात बदतर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। जिम्मेदारान ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क्यादत से मिलने से इनकार कर दिया है। जराए का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ दफ्तर ही नहीं आ रहे। ऐसे में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत सियासी जमातों ने यंग डॉक्टर से इजहार यकजहती के लिए भूख हड़ताली कैंप का दौरा किया। आज जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा फरीद पराचा ने हड़ताली कैंप का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले और डॉक्टर्स के जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि हम ग्रैंड अलायंस के साथ खड़े हैं और हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी कल डॉक्टर से इजहार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ मकसूद खालिद, मशरिक न्यूज़, लाहौर।